मुल्तान असल में मुझसे बड़ा दूर है ठीक है कोई तीन साढ़े तीन चार सौ किलोमीटर दूर है इतना ना हुआ तो अढ़ाई सौ तो किलोमीटर कहीं नहीं गया नहीं इससे ज़्यादा ही है एनी मुल्तान बोर्ड के नहम क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर दिया साइंस ग्रुप वाले वो देख लें ज़रा ग्यारह सतानवे इसका कोड है ठीक है हिस्सा मारूजी है तो हम इसके साथ आपके साथ इसकी जो की है वो शेयर कर रहे हैं लिहाजा आपने अच्छे तरीके से वीडियो देखनी है पिक्चर दूरी की वजह से ना दूरी है ना तो बड़ी धुंधली सी है एनी नेक्स्ट उम्मीद है कि ऐसी धुंधली पिक्चर नहीं होगी पहला जो एम सी क्यू है मुतशाबा के लिए लिएत इस्तेमाल होती है तो इसका ए जवाब दुरुस्त है ठीक है जी नेक्स्ट है जी दो मु मुतवाजुजला का रकबा है तो इसका दुरुस्त जवाब है बी तीसरा है मुसलिस के तीनों इजला के वस्तानिया होते हैं तो क्या होते हैं मुतमासल कंग्रोट होते हैं ठीक है चौथा जी को कालब कहा जाता है तो कौन सा कालब कहा जाता है स्केलर कालब ठीक है जी नेक्स्ट है जी स्केलर या स्केलर कुछ भी का, कह सकते हैं आप पांचवा जो है का काजू का, गेट है कांजू गेट क्या है जी डी जवाब दुरुस्त है पांचवे का का जी ए जवाब दुरुस्त है ओके सातवां जो हमसे क्यों है कसी रकमी ये स्टेटमेंट है इसका बी जवाब दुरुस्त है आगे आठवें का डी जवाब दुरुस्त है बहरहाल आप ऐसा करें कि आपके पास ये अगर पेपर हो ग्यारह सतानवे कोड वाला साइंस ग्रुप का जो मैथमेटिक्स है नाइन्थ क्लास का तो आप ये जो आंसर्स हैं ये देख लें और उस पर आप को आप उसे स्टेटमेंट पढ़ लें ठीक है आगे नौ नंबर जो एम सी क्यू इसका ए जवाब दुरुस्त है आ, दस नंबर जो एम सी क्यू इसका सी जवाब दुरुस्त है ए ये ऑप्शन है बी ए सी ए डी ए धुंधली है पिक्चर क्या करें ग्यारह नंबर जो है उसका बी जवाब दुरुस्त है बारह नंबर का ए जवाब दुरुस्त है तेरह नंबर जो एम सी क्यू है इसका भी ए जवाब दुरुस्त है जो चौदहवा है उसका सी जवाब दुरुस्त है और जो पंद्रहवा है ये इसका भी सी जवाब दुरुस्त है जी तो डी स्टूडेंट्स मुल्तान बोर्ड वालों आपको आपके आंसर्स का पता चल गया होगा ग्यारह सतानवे कोड है मैं फिर बता रहा हूँ साइंस ग्रुप का पेपर था फर्स्ट ग्रुप का हिस्सा मारूजी है ठीक है तो आप ग्रुप के मुताबिक आपको पता होगा कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं क्योंकि ये पिक्चर धुंधली है तो समझ नहीं आ रही ठीक है फिर भी मैं ये जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ यह आपका पेपर ठीक है जी तो अब आपसे अगर पढ़ा जा रहा है तो अच्छे तरीके से आप पढ़ लें क्योंकि आपने भरल पढ़ना तो है ना अभी बड़ी उम्र पड़ी है पढ़ने में जी थोड़ी फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह बाय बाय